अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, फिर एक बार राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में कत्ल की वारदात पेश आई। वाज़ह रहे कि कत्लों का सिलसिला फिर से एक बार शहर हैदराबाद में शुरू हो चुका है। छोटी छोटी बात को लेकर कत्ले आम हो रहे हैं। इसी तरह एक नौजवान का कत्ल जिसका ताल्लुक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से बताया जा रहा है, रुपयों के लिए ये कत्ल हुआ है। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है, देखते हैं सपोर्ट। नाजरीन, राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में कल रात में एक कत्ल की वारदात पेश आई। अब्दुल खलील नामी एक नौजवान जो एमएम पहाड़ी का साकिन है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का लीडर भी है, कुछ लोग इससे पैसे लिए थे और जब ये रुपये मांगने लगा तो वो लोग परेशान हुए और रुपये नहीं देने की सूरत में ये खतरनाक मंसूबा बनाकर अब्दुल खलील का कत्ल कर दिया गया है। और ये कत्ल सीसी कैमरे में और वहाँ पे खड़े रहने वाले लोग अपने फोन में भी रिकॉर्ड कर चुके हैं कि किस तरह से खुलेआम सड़क पर वजनी फतरे और हथियारों से खलील का कत्ल कर दिया गया। बड़ी अफसोस की बात है, कुछ दिन पहले भी एक लाश सूटकेस में पाई गई। राजेंद्र नगर पुलिस कुछ तहकीकात करती उससे पहले साउथ जोन पुलिस दो लोग को गिरफ्तार करके राजनगर पुलिस के हवाले किया था। लगातार ऐसे कत्लों में इजाफे बड़ी फिक्र वाली बात है। बहरहाल, इतला मिलते ही डीसीपी मौके पर पहुंचे और पुलिस के अहदेदार भी पहुंचकर इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। जरूरी है कि पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और उनको उम्र कैद या फांसी की सजा दिलाएं, ताकि फिर कभी कोई ऐसी हरकत ना करे और ऐसे खुलेआम किसी का कत्ल ना करे। ये तभी हो पाएगा जब पुलिस पूरी ईमानदारी से इस काम को अंजाम देगी। देखना है कि पुलिस कैसे और कब इनको सजा दिलाने में कामयाब होती है। मोहम्मद बिन हमीद और अलीम साबर के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन पिलर नंबर 248 विवेनार एक्सप्रेस के बगल में एच एफ बन के सामने लगभग 11:30-12 बजे रात को एक मर्डर हुआ था। इसमें 3 आदमी एक खलील बोल के मैं बाहर में रहने वाला है, रियल एस्टेट बिजनेस करते हैं, उनको मर्डर किया है। वो 3 आदमी के लिए हम तलाश कर रहे हैं। अभी पुलिस टीम और लाइट ऑफिसर्स पूरा विजिट करके पुलिस वगैरह कलेक्ट करके बॉडी को शिफ्ट किया है उस्मानी हॉस्पिटल। और अभी हम वो जो 3 आदमी है जिसने उसको मर्डर किया है उनको ये तलाश कर रहे हैं, रात तक उनको भी पकड़ के गिरफ्तार करेंगे। सर, आए दिन ऐसे कई मर्डर होते जा रहे हैं सर, आप क्यों एक्शन लीजिए? अभी हम देखना पड़ेगा कि कुछ फैमिली इशू है, कुछ और इशू है। सर, ये बताया जाता है एमएम का से लीडर है, बात सही है सर? बोल रहे हैं कि एमएम पहाड़ी का एमएम का ब्लॉक लीडर है, तो हम पूरे हर कोने से हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट का इशू है, तो कुछ और इशू है। सर, कोई पार्टी दुश्मनी भी हो सकती क्या सर? हम पूरे हर एंगल से हम वेरीफाई कर रहे हैं कि रियल एस्टेट का इशू है, तो पॉलिटिकल इशू है, नहीं तो कोई फैमिली इशू है। और रात तक तीनों को भी गिरफ्तार कर रहे हैं। थैंक यू। सेल वर्ल्ड। अगर आप मोबाइल फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो चले आइए सेल वर्ल्ड की शोरूम में। यहाँ पर सारे ब्रांडेड मोबाइल सीडीएमए 4 एंड एडिशनल एक्सेसरी दस्तियाब। मोबाइल फोन की दुनिया में भरोसेमंद नाम सेल वर्ल्ड। सेल वर्ल्ड, द मोस्ट ट्रस्टेड नेम इन मोबाइल फोन सिंस 1999 एट योर सर्विस। सेल वर्ल्ड।